हेलो स्टूडेंट्स आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर इलेवन क्लास टेंथ की सोशल साइंस की वर्कशीट ये हम दोनों इंग्लिश और हिंदी में कर रहे हैं अगर किसी रीजन से आप ये क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं वर्कशीट तो चिंता की कोई बात नहीं है आप हम सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं और साथ ही अपनी वर्कशीट को साथ में रख कर फिर आप ये वीडियो देख सकते हैं तो आपको क्लियरली नज़र आ जाएगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं तो आइए ये वर्कशीट पढ़ लेते हैं ये वर्कशीट है फेडरलिज्म पर इस वर्कशीट में फेडरलिज्म के बारे में बताया गया है कि फेडरलिज्म के तहत संघवाद के तहत हमारे देश में भी संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कानूनी अधिकारों का बंटवारा करने के लिए तीन सूचियां बनाई गई हैं। तो ताकि हमारी जो ये कंट्री में लेजिस्लेटिव पार्ट हैं कानूनी अधिकार हैं यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में तो उनका बंटवारा करने के लिए तीन लिस्ट बनाई गई हैं थ्री लिस्ट बनाई गई हैं पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट जिसे संघ सूची भी कहते हैं दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट जिसे राज्य सूची भी कहते हैं और तीसरी लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट जिसे समवर्ती सूची भी कहते हैं तो यूनियन लिस्ट में उन विषयों के बारे में बात की जाती है या उन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाता है जो देश के लिए बहुत जरूरी है नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं जो राष्ट्रीय महत्व रखते हैं जो विषय उनको इस लिस्ट में इंक्लूड किया जाता है तो वो ऐसे कौन से विषय हो सकते हैं वो विषय हैं जैसे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री फॉरेन अफेयर्स बैंकिंग कम्युनिकेशंस करेंसी तो विदेश मामले रक्षा के मामले बैंकिंग संचार मुद्रा के मामले ये सारे जो विषय हैं, ये यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं अब किसी लिस्ट के अंडर आने का क्या मतलब है तो इसका मतलब ये है कि ये इस लिस्ट में आते हैं तो इसका मतलब है कि संघ जो सेंटर गवर्नमेंट है जो यूनियन गवर्नमेंट है वही इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है यूनियन गवर्नमेंट ही इन विषयों के ऊपर कानून बना सकती है वो इसलिए है क्योंकि ये ऐसे विषय हैं जिनमें हमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी की जरूरत होती है हमें ऐसी नीतियों की जरूरत होती है जो पूरे देश में एक जैसी हों तो ऐसे जो विषय हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं और यूनियन लिस्ट के अंडर आते हैं और यूनियन गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट ही उस पर कानून बनाती है अब चलते हैं स्टेट लिस्ट राज्य सूची पर तो स्टेट लिस्ट में जो विषय इंक्लूडेड हैं जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं वो हैं जैसे पुलिस ट्रेड कॉमर्स एग्रीकल्चर इरिगेशन, तो व्यापार पुलिस वाणिज्य कृषि सिंचाई ऐसे जो विषय हैं वह प्रांतीय या क्षेत्रीय महत्व के विषय हैं वो ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी कंट्री इतनी डाइवर्स है इतनी विविध है कि हर स्टेट की अपनी एक विशेषता है तो जरूरी नहीं है कि जम्मू कश्मीर में जैसी इरिगेशन uh, फैसिलिटीज हो और वहाँ पर जैसी एग्रीकल्चर सिचुएशन हो वही तमिलनाडु के स्टेट में भी होगी या नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट्स होंगे वो जो सिचुएशन है वही राजस्थान में भी होगी ऐसा जरूरी नहीं है तो इसीलिए स्टेट्स ये अधिकार रखते हैं कि वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से अपनी कम्युनिटी के हिसाब से अपनी कंडीशन के हिसाब से लॉज बना सके वो ये अधिकार रखते हैं कि वो कानून अपनी सिचुएशन के हिसाब से बना सके इसलिए ये वाले जो सारे विषय हैं ये स्टेट लिस्ट के अंडर आते हैं इसका एग्जाम्पल आप अगर आप मूवीज देखें तो आप नोटिस करेंगे कि अगर कोई मूवी दिल्ली के ऊपर बनी है तो आप दिल्ली पुलिस की यूनिफॉर्म अलग होगी कोई मुंबई पर बनी है तो मुंबई पुलिस की यूनिफॉर्म अलग होगी क्योंकि ये स्टेट डिसाइड करता है कि पुलिस की क्या जोरिस्ट्रिक्शन है पुलिस क्या काम कर सकती है क्या यूनिफॉर्म पहनेगी तो जितने भी पुलिस से रिलेटेड uh, कानून होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी अब कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं कुछ विषय ऐसे होते हैं जो दोनों यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट uh, गवर्नमेंट का उसमें से होता है तो ऐसे में ये कुछ विषय कुछ इस तरह से हैं जैसे एजुकेशन फॉरेस्ट ट्रेड मैरिज अडॉप्शन सक्सेशन तो ये कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें स्टेट की सिचुएशन को भी देखा जाता है और साथ ही पूरे देश में क्या स्थिति है उसको भी देखा जाता है तो इन आ, इन विषयों को कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में डाला जाता है तो इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों ही यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर इन इन विषयों पर इन सब्जेक्ट्स पर कानून बनाती है ये जरूरी बात है लेकिन अगर क्या हो कि अगर जो दोनों गवर्नमेंट्स हैं वो किसी बात पर कंसेंसस पर नहीं आ रही हैं वो दोनों सहमति नहीं दे पा रहे हैं किसी बात पर या किसी कानून पर ऐसी सिचुएशन में यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसका जो कानून है वही सर्वोपरि माना जाता है ऐसी स्थिति में तो टकराव तो की स्थिति में केंद्र का कानून ही मान्य होगा अब आगे चलते हैं इसमें एक और यह भी बात बताई हुई है जो इंग्लिश की वर्कशीट में नहीं है, लेकिन हिंदी की वर्कशीट में, में है, कि ऐसे अवशिष्ट यानी बचे हुए विषय जो इन सूचियों में नहीं है उन पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी तो कुछ विषय ऐसे भी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पर इंक्लूड नहीं किए गए थे लिस्ट में और समय बदलता रहता है द वर्ल्ड इज डायनामिक तो जैसे समय बदलता है तो कई नई नई विषय नए नए सब्जेक्ट्स आते रहते हैं नए नए टॉपिक्स आते रहते हैं जो हमारी लाइफ में इंक्लूड हो जाते हैं तो उन पर अगर कानून बनना है तो वो कौन बनाएगा तो फॉर एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक uh, बूम आया था एक सडनली टेक्नोलॉजिकल बूम आया था उससे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ गए थे अब सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अगर कोई रूल है तो वो कौन बनाएगा वो कोई कानून है तो वो कौन बनाएगा तो ऐसा क्योंकि ऑलरेडी मैंशन नहीं था तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है कि अगर ऐसे कोई बचे हुए विषय हैं जो मैंशनड नहीं है तो उन पर यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी तो केंद्र सरकार का जो कानून होगा उन विषयों पर वही लागू होगा तो आइए अब आगे देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या हैं। यहाँ पर तीन ही क्वेश्चंस हैं और सिंपल क्वेश्चंस हैं। आप बड़ी आसानी से इनको कर कर सकते हैं तो हम जल्दी से इनको समझा देते हैं कि ये क्या हैं और इनके आंसर क्या हैं। इसके बाद इस वर्कशीट के इमिडिएटली बाद हम इनके आंसर्स भी आपको डिस्प्ले कर देंगे वो सैंपल आंसर है आप उन्हें देखकर आप अपने आंसर लिख सकते हैं फिर इस वर्कशीट के बाद हम जो आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है उससे भी फॉलो अप करेंगे तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं पहला क्वेश्चन है इन इंडियन फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट सेंटर इज मोर पावरफुल एक्सप्लेन विद एग्जांपल। भारत में संघीय व्यवस्था में केंद्र ज्यादा मजबूत है इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए तो ऐसे क्या रीजन है कि तो ये कहा जाता है कि इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो केंद्र सरकार है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है वो बहुत ज्यादा मजबूत है ऐसा क्यों है ऐसा क्या रीजन है कि ये ऐसा कहा जाता है तो इसके तीन रीजन है सबसे पहला रीजन तो हमने जैसे अभी आपको समझाया कि कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आती है कोई टकराव की अगर स्थिति आती है तो ऐसे में यूनियन गवर्नमेंट ही लागू करेगी जो कानून होगा वो यूनियन गवर्नमेंट के जो दिए गए कानून है वही लागू होंगे तो ये एक पहला कारण हो जाता है दूसरा कारण ये है जो हमने अभी आपको बताया कि ऐसे बचे हुए विषय तो कुछ विषय जो ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है तो कोई भी अगर नया विषय आता है जो मैंशन यहां पर नहीं है तो उस पर भी केंद्र सरकार का ही कानून लागू होगा इसलिए भी केंद्र सरकार बहुत ही पावरफुल हो जाती है अब थर्ड रीजन एक और रीजन है तो इंडिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जो ना तो स्टेट्स में आप इंक्लूड कर सकते हो और ना ही वो सेंटर के डायरेक्ट नेशन uh, में इंक्लूड होती हैं तो ऐसी जो जगह होती हैं वो होती हैं यूनियन टेरिटरीज तो कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है तो ऐसी जो कुछ जगह हैं, उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट के स्पेशल पार्स हैं तो अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्पेशल पार एन्जॉय करती है कि ऐसी जो यूनियन टेरिटरीज हैं जैसे दिल्ली, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ उन पर भी कई विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून ही लागू होंगे तो इन सारे कारणों की वजह से फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ही पावरफुल बन जाती है अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एजुकेशन इज द सब्जेक्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट फाइंड द नेम ऑफ टू स्कूल्स इन योर एरिया विच आर एडमिनिस्टर्ड बाय सेंटर एंड स्टेट रिस्पेक्टिवली तो शिक्षा जो है वह समवर्ती सूची का विषय है तो एजुकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही उस पर कानून बना सकती हैं तो आपको इस क्वेश्चन में अपने आसपास देखना है और ये आइडेंटिफाई करना है कि ऐसे स्कूल्स के नाम लिखने हैं जो केंद्र सरकार के बनाए हुए हैं और राज्य सरकार के बनाए हुए हैं तो आपको ऐसे दो दो स्कूलों के नाम पता करके लिखने हैं जो केंद्र सरकार के बनाए हुए हैं और दो ऐसे जो राज्य सरकार ने बनाए हुए हैं तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे केंद्रीय विद्यालय जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो अगर आपके आसपास कोई केंद्रीय विद्यालय स्कूल है तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और और अगर आप आसपास और स्कूल्स देखेंगे नवोदय विद्यालय हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो आप उनको यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं साथ ही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कौन से आते हैं तो पहला तो आप ही का जो स्कूल है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है तो ये वर्कशीट आपको डेली गवर्नमेंट स्कूल से मिल रही है तो जो आपका स्कूल है डेली गवर्नमेंट का जो स्कूल है वो डेली के अंडर आता है तो वो आपके स्टेट के अंडर आता है वही दूसरे राजकीय सर्वोदय विद्यालय भी जो है वो भी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं तो इसके अलावा अगर आप अपने आसपास किसी स्कूल को जानते हैं जो क्लियरली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है या जो क्लियरली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है आप वो भी इसमें लिख सकते हैं थर्ड क्वेश्चन है फाइंड अ सब्जेक्ट विच इज नॉट द पार्ट ऑफ आइदर ऑफ थ्री हु हैज द पार टू लेजिस्लेट ऑन सच सब्जेक्ट तो तो अगेन इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन अभी कर चुके हैं तो ऐसे विषय का पता कीजिए जो इन तीनों सूचियों में दर्ज ना हो और इस पर कानून कौन बनाएगा तो इसका आंसर हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऐसा विषय है जो इन तीनों सूचियों में मैंशन नहीं है और जैसा हमने आपको पहले ही बताया कि ऐसी सिचुएशन में जो इस लिस्ट में अगर कुछ मेंशन नहीं हो कोई सब्जेक्ट तो उस पर केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा विषय जानते हैं जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है तो आप वो भी लिख सकते हैं और उस पर भी केंद्र सरकार ही कानून बनाएगी उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ आ गई हो अच्छे से अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अब इसके बाद हम आपको इंग्लिश की वर्कशीट भी दिखाएंगे आइए स्टूडेंट्स अब हम इंग्लिश की वर्कशीट देख लेते हैं इंग्लिश की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर इलेवन तो ये वर्कशीट जो है वो मोडाल्स पर बनी हुई है अब मोडल्स क्या होते हैं मोडल्स ऑक्सिलरीज़ होते हैं जो वर्ब्स के साथ लगते हैं जैसे कि कैन मस्ट कुड वुड एट्सेट्रा तो इनका पर्पस क्या होता है तो इनका पर्पस ये होता है कि जब ये मेन वर्ब के साथ लगते हैं वर्ब मतलब एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स जो कोई एक्शन डिनोट करते हैं तो जब ये किसी वर्ब के साथ लगते हैं तो वो एक्सप्रेस करते हैं कि क्या कोई एबिलिटी कि क्या हम ये कर सकते हैं कोई पॉसिबिलिटी कि क्या ये हो सकता है परमिशन कि क्या मैं ये कर लू नेसेसिटी कि क्या ये करने की जरूरत है ऑब्लिगेशन की क्या ये करना ही करना पड़ेगा एडवाइस की आप ये कर लो तो ये अच्छा होगा तो ये जो ये जो चीजें हैं इनको एक्सप्रेस करने में मोडाल्स हमारी हेल्प करते हैं तो आइए अब मोडालस क्या होते हैं और उनके क्या टाइप्स हैं और एग्जाम्पल्स वो देख लेते हैं तो जैसा कि हमने कहा कि मोडाल्स एबिलिटी शो करते हैं कि क्या हम ये कर सकते हैं तो उसके लिए कौन से मोडालस यूज कर सकते हैं आप आप कैन और कुड यूज कर सकते हैं अब इनमें डिफरेंस क्या है तो कैन यूजली आप जनरली हर जगह यूज करते हैं प्रेजेंट में जहां रेफरेंस आपको देना हो वहां यूज करते हैं जहां आपको थोड़ा पास्ट में रेफरेंस देना हो तो आप कुड यूज करेंगे तो कुड एक तरह से आप कह सकते हैं कि कैन का पास्ट टेंस है और जहां आपको थोड़ा रिस्पेक्ट भी दिखानी हो वहां पर भी आप कुड यूज करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अमन कैन स्पीक थ्री लैंग्वेजेस तो अमन जो है वो तीन लैंग्वेजेस बोल सकता है ये एबिलिटी है उसकी ये ये वो कर सकता है ठीक है और ये टेंस फ्यूचर हर जगह वो ये कर सकता है तो इसलिए हमने यहाँ पर कैन यूज किया है और दूसरा एग्जाम्पल है ही कुड रन फास्ट वेन ही वॉज यंग जैसे हमने कहा कि पास्ट में कुड ज्यादा यूज होता है तो जब वो छोटा था तब वो बहुत तेज दौड़ सकता था सकता था मतलब एबिलिटी तो अगेन हम यहाँ पर कुड यूज करेंगे देन दूसरा टाइप है परमिशन अगर आपको किसी से कुछ पूछना है कोई परमिशन लेनी है तो आप कैन कुड मे ये मोडाइल वर्ब्स यूज कर सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल माई बैटरी इज फ्लैट कैन आई यूज योर फोन क्या मैं आपका फोन यूज कर सकता हूँ कुड आई ओपन द विंडो तो जैसे मैंने कहा कि जब आपको थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात करना है या आप अगर किसी स्ट्रेंजर से या किसी बड़े से कुछ मांग रहे हैं कुछ परमिशन मांग रहे हैं तो प्रेफरेबली आप कुड या मे का यूज करेंगे तो कुड आई ओपन द विंडो मे आई डिक्शनरी तो जब आपको रिस्पेक्टफुली बात करनी है तो आप कुड या मे यूज करेंगे अदरवाइज आप कैन भी यूज कर सकते हैं एडवाइस जब आपको कोई एडवाइस देनी है किसी को कोई सजेशन देना है तो आप शुड यूज करेंगे यू शुड ट्राई टू लूज वेट वन शुड पे तो अगर आपको कोई सजेशन देना है एडवाइस देनी है कोई सलाह देनी है तो आप शुड यूज करेंगे लेकिन वहीं अगर कोई ऑब्लिगेशन है मतलब कुछ आपको बताना है कि ये तो करना ही करना है तब आप मस्ट हैव टू ये इन दो में से कोई एक मोडल वर्ब यूज कर सकते हैं जैसे कि You must learn योर lessons. आपको अपने लेसन्स याद करने ही करने चाहिए वी हैव टू गो नाउ और we'll बी लेट अब हमें निकलना चाहिए नहीं तो हम लेट हो जाएंगे तो जहां पर ऑब्लिगेशन है जहां कुछ करना ही करना है बिल्कुल उसमें कोई और ऑप्शन नहीं है तब आप मस्ट या टू यूज कर सकते हैं फिर एक और मुडाल है वो है पॉसिबिलिटी का कि क्या ये हो सकता है तो किसी चीज के होने की जब आप पॉसिबिलिटी बताते हैं तो वहां पर पॉसिबिलिटी uh, के मोडाल वर्ब्स यूज होते हैं जैसे कि माइट मे कुड, कैन। सो इट लुक्स नाइस बट इट माइट बी एक्सपेंसिव रमन मे बी कमिंग टू विजिट टूमोरो दे कुड कम बाय कार यू कैन इजीली गेट लॉस्ट इन दिस टाउन तो आप अगेन जैसे मैंने कहा कि Could जो है वो कैन जहां यूज हो सकता है उसका अगर कोई पास्ट रेफरेंस आपको देना है तो वहां यूज होता है सिमिलरली माइट भी मे का एक तरह से पास्ट रेफरेंस देने के लिए यूज होता है तो ये थोड़ा इंटरचेंजेबली यूज होते हैं आप कई जगह होती है जहां दोनों वर्ड्स ठीक होते हैं लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि अगर कोई प्रेजेंट टेंस का कोई रेफरेंस देना है आज की कोई बात हो रही है या फ्यूचर की बात हो रही है तो आप मे और कैन यूज करेंगे लेकिन अगर कहीं पर पास्ट की बात हो रही है या किसी पास्ट सिचुएशन में कोई पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो आप कुड या माइट का यूज करेंगे तो अब इन्हीं डायरेक्शन uh, के बेस्ड पे हम वर्कशीट भी देख लेते हैं तो ये जो आपकी वर्कशीट है ये नेल्सन मंडेला की स्पीच है उस पर बेस्ड है तो फिलिंग द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मोडाल तो नेल्सन मंडेला एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे उन्होंने अपार्थिड के अगेंस्ट आ, अमेरिका में उसके अगेंस्ट काम किया और उनकी वजह से अफ्रीकन अमेरिकन को फ्रीडम भी मिली तो उनकी एक बहुत फेमस स्पीच है और फिर उन्होंने एक किताब भी लिखी अपने एक्सपीरियंस experience, पर पर उस किताब का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम तो ये जो आपकी वर्कशीट है ये उन्हीं की स्पीच पर बेस्ड है तो आइए पहले देख लेते हैं कि पहला क्या है यहां पर वन डैश रीड लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एज इट रिप्रेजेंट्स द रियल विक्ट्री अगेंस्ट द अपार्थी ट्रेनी एंड कोलोनियलिज्म सो यहां पर आप सजेशन दे रहे हैं कि आपको लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़नी चाहिए क्योंकि वो रियल विक्ट्री के बारे में बताती है अपार्थी ट्रेनी और कोलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो रियल विक्ट्री है उसे रिप्रेजेंट करती है तो सजेशन दे रहे हैं तो क्या यूज करेंगे Should. second पे चलते हैं I dash not imagine that the future future I was walking toward dash compare in any way to the past that I was leaving behind तो यहां पर नेल्सन मंडेला कहना चाहते हैं कि मैं ये इमेजिन ही नहीं कर पा रहा था कि जिस फ्यूचर की तरफ मैं बढ़ बढ़ रहा हूं वो किसी भी सिचुएशन में मेरा जो पास्ट है उससे मैं कंपेयर कर सकता हूं तो यहां पर ये कंपल्शन नहीं है तो इसलिए मस्ट यूज नहीं होगा लेकिन एक पॉसिबिलिटी है तो कुड यूज होगा तो आप यहां पर यूज करेंगे कुड सो आई कुड नॉट इमेजिन दैट द फ्यूचर आई वाज वॉकिंग टू कुड कंपेयर इन एनी वे टू द पास दैट आई वाज लीविंग बिहाइंड थर्ड अ नेशन डैश नॉट बी जस्ड बाय हाउ इट ट्रीस इट्स हाइस्ट सिटीजन बट इट्स लोवेस्ट वंस तो हम नेशन को जज नहीं करना चाहिए उसके बेसिस पे कि वो अपने हाईएस्ट सिटीजन जो अच्छी सिचुएशन पे हैं जो नागरिक उनको कैसे ट्रीट करता है बल्कि उस पर जज करना चाहिए कि जो उनके लोवेस्ट सिचुएशंस में जो नागरिक है उनको कैसे ट्रीट करता है तो करना चाहिए तो यहाँ पर एक सजेशन है तो शुड यूज होगा फोर्थ अपार्थी डिक्टेटेड वेयर साउथ एफ्रिकन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस कुड लिव एंड वर्क

A brave man is not not that who who does not feel afraid, but who dash conquer it. ये बहुत ही क्लियर है कि एक brave person वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता बल्कि brave person वो होता है जो अपने डर के आगे जीतता है तो जो पॉसिबिलिटी है अगेन एबिलिटी है तो यहां पर आप यूज करेंगे कैन Sixth, even though today's world stimulates a different form of slavery. मंडेला शोडस दैट वी डैश फाइट फॉर जस्टिस तो जैसे कि तो यहाँ पर कहा गया है कि वैसे तो आज के जमाने में जो पुराने समय की मंडेला जी के जमाने की जो स्लेवरी थी वो नहीं होती है लेकिन फिर भी उन्होंने हमें ये दिखाया कि कैसी भी सिचुएशन हो हमें जस्टिस के लिए जरूर लड़ना चाहिए तो जैसे ही वर्ड जरूर आ गया है तो यहां पर होगा मस्ट वी मस्ट फाइट फॉर जस्टिस देयर डैश बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर कास्ट रेस एज और जेंडर इन द सोसाइटी तो अगेन यहाँ पर सजेशन दिया गया एक एडवाइस दी गई है कि हमें कभी भी किसी की जाति पाति कलर और एज uh, या जेंडर के बेसिस पर भेदभाव नहीं करना चाहिए तो नहीं करना चाहिए मतलब शुड यहाँ शुड आएगा ऑल दो इट डैश सीम डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड people should stand up because even in the 21st century we face different forms of stereotypes racism and cultural intolerance तो so, इस sentence का मतलब है वैसे तो यह समझना मुश्किल हो सकता है कि आज के टाइम में वैसे तो ये समझना मुश्किल हो सकता है लेकिन फिर भी आज के टाइम में स्टीरियोटाइप्स रेसिज्म और कल्चरल intolerance की अगर कोई सिचुएशन आती है तो हमें उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए तो वैसे तो ये समझना मुश्किल हो सकता है अगेन पॉसिबिलिटी सो ऑल दो इट मे सीम डिफिकल्ट तो जैसे ही पॉसिबिलिटी है तो यहाँ आएगा मे देन आपका नाइन्थ है स्ट्रॉन्ग कन्विक्शंस आर द सीक्रेट ऑफ सर्वाइविंग डिप्रिवेशन योर स्पिरिट डैश बी फुल इवन वेन योर स्टमक इज एम्पटी तो अगर आपके स्ट्रांग कन्विक्शंस है आपके इरादे मजबूत हैं तो वही सीक्रेट है एक डेप्रीवेशन वाली सिचुएशन को से उभरने का एक सिचुएशन जिसमें आपके पास कुछ नहीं है उससे उभरने का तो ये कैसे पॉसिबल होता है अगर आपकी स्पिरिट अगर या आपकी हो सक स्पिरिट जो है वो पूरी तरह से भरी हुई है आपकी स्पिरिट बहुत हाई प्रपोर्शन uh, में है और लेकिन आपका पेट खाली है तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो जरूर आप डेप्रीवेशन से ऊपर उठकर आएंगे तो योर स्पिरिट कैन बी फुल इवन व्हेन योर स्टमक इज एमटी तो हो सकता है आपके पेट में कुछ ना हो लेकिन आपकी विल पावर आपकी जो स्पिरिट है वो बहुत स्ट्रांग है तो ये पॉसिबल है तो यहां पर आएगा कैन क्योंकि अगेन यहां पॉसिबिलिटी की बात हो रही है अब लास्ट उस पर चलते हैं लास्ट सेंटेंस पे लास्ट सेंटेंस है पीपल डैश लर्न टू हेट एंड इफ दे डैश लर्न टू हेट दे डैश बी टॉट टू लव फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट तो ये अगेन मंडेला जी की स्पीच uh, में से डायरेक्ट कोट है तो पीपल मस्ट लर्न टू हेट लोगों को यह जरूर सीखना चाहिए कि कैसे किसी से हेट करते हैं क्यों क्योंकि अगर वो ये सीख लेते हैं एबिलिटी एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट तो वो उन्हें ये भी सिखाया जा सकता है कि कैसे प्यार किया जाता है तो अगर वो ये सीख सकते हैं कि कैसे किसी से नफरत करें तो वैसे ही उनको ये भी सिखाया जा सकता है कि कैसे किसी से प्यार करें क्योंकि किसी से प्यार करना किसी से अच्छी भावना रखना वो हमें नेचुरली आता है एज कंपेयर टू उसका जो ऑपोजिट है किसी से नफरत करना तो एक्चुअली इसमें तीनों ही आंसर्स आएंगे तो पहले आप लिखेंगे पीपल मस्ट लर्न टू हेट फिर आप लिखेंगे एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट फिर आप लिखेंगे दे कैन बी टॉक टू लव तो आज ही ये आज की हमारी वर्कशीट बस इतनी ही है अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि जैसे ही हम वर्कशीट के सोल्यूशन अपलोड करें आपको इमिडिएटली पता चल जाए होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन थैंक यू